भारत में बुलेट ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए इंडियन रेलवेज एक अच्छी खबर लाई है। दरअसल देश की तीसरी और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रायल रन के दौरान वह कमाल किया है जिसने बुलेट ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ने महज 52 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पाकर बुलेट ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि बुलेट ट्रेन को इस रफ्तार को हासिल करने में 54.6 सेकेंड का वक्त लगता है। पुरानी वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि इस नई ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि आरामदायक यात्रा के लिए इस ट्रेन में कई विशेषताएं हैं। क्वालिटी और सवारी के इंडेक्स में सुधार किया गया है। इन मापदंडों पर ट्रेन का स्कोर 3.2 है, जबकि इंटरनेशनल स्कोर 2.9 है। रेल मंत्री ने आगे कहा कि नई ट्रेन 130 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है, जबकि पुराने वर्जन वाली ट्रेन को ये स्पीड हासिल करने में 146 सेकंड का वक्त लगता है। रेल मंत्री ने आगे बताया कि इंडियन रेलवे का लक्ष्य है कि वंदे भारत ट्रेन का अक्टूबर से नियमित उत्पादन शुरू कर हर महीने 2 से 3 ट्रेन तैयार की जाए। इस नई ट्रेन ने सभी ट्रायल्स को पूरा कर लिया है और ये कमर्शियल रूप से चलने के लिए तैयार है। ट्रेन ने अपने बयान में आगे बताया कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस कई एडवांस सिस्टमों से लैस है, जिनमें वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, GPS बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, CCTV कैमरे समेत कई फैसिलिटीज शामिल है। साथ ही फोटो कैटलिक एयर प्योरीफायर सिस्टम नई वंदे भारत एक्सप्रेस को कोरोना सहित हवा से फैलने वाली हर बीमारियों से मुक्त रखेगा। ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चल सकती है और इसी महीने आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत की जाएगी।